हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति में। फ्रेंड्स, 30 मार्च को मैंने रेड कलर बोगनवेलिया को ग्राफ्ट किया था व्हाइट कलर बोगनवेलिया प्लांट पे और वो सक्सेसफुल हो गए हैं। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग प्रोसीजर का कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप वो देख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको ग्राफ्टिंग के बारे में कुछ आइडिया मिल जाएगा और आप भी एक दो ग्राफ्ट तो जरूर कर लोगे। फ्रेंड्स, देखिए तभी फूल नहीं खिले हुए थे, अभी बहुत अच्छे से फूल खिल गए हैं। और मैंने उस वक्त आपको बताया भी था कि ग्राफ्टिंग जब ग्रोइंग सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो या प्लांट थोड़ा सा डोरमेंट हो और जस्ट अभी थोड़े दिन बाद से उसका ग्रोइंग सीजन बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाला हो, उस वक्त ग्राफ्टिंग अच्छी होती है। तो फेब, मार्च और अप्रैल बोगनवेलिया की ग्राफ्टिंग के लिए, रोज की ग्राफ्टिंग के लिए और भी कई प्लांट की ग्राफ्टिंग के लिए काफी अच्छा होता है। इस वक्त मोस्ट ऑफ द ग्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं ये पुराने पॉलीबैग को हटा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अंदर कितने अच्छे अच्छे लीव्स आए हुए हैं। अगर आपने ग्राफ्ट करा हुआ है तो ये पॉली बैग को हड़बड़ी से तो बिल्कुल मत हटाइए, बड़े ही सावधानी से हटाइए, अच्छे से हटाइए, क्योंकि ऐसा है कि ग्राफ्टिंग यूनियन कम्प्लीटली अभी तक अटैच नहीं हुआ रहता है। अभी भी थोड़ा अगर हिल गया तो आप चांसेस हैं कि ग्राफ्टिंग खराब हो जाए, तो इसलिए बड़े ही आराम से हटाइए। इसलिए मुझे इतना टाइम भी लग रहा है इसे हटाने में। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पॉलीबैग हटा दिया और कितने प्यारे प्यारे लीव्स आए हुए हैं छोटे छोटे से। ये जो नीचे के तीन बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये रेड वाला है, ऊपर पे ये व्हाइट वाले से आया हुआ है इसलिए मैं इसे तोड़ दे रही, और ये बीच में जो आया हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेड का है ना व्हाइट का है, तो इसे भी मैं हटा देती हूँ ताकि सारी एनर्जी इस ब्रांच की, ये जो तीन नीचे की ओर बर्ड्स आए हुए हैं इन पे आए। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग के बाद आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो ब्रांच आपने सीओन ग्राफ्ट किया है स्टॉक प्लांट पे, तो स्टॉक के बहुत सारे बर्ड्स ना आए उस ब्रांच में, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्टॉक प्लांट की सारी एनर्जी इस सीओन प्लांट में आए जो हमने ऊपर से ग्राफ्ट किया है। तो इसलिए टाइमली आप अगर देखें कि ग्राफ्टिंग के नीचे अगर बर्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप टाइमली थोड़ा थोड़ा उसे हटाते रहें, एक आध आप रखें और बाकी आप हटाते रहें ताकि सारी एनर्जी सीएन प्लांट में आए और इसमें जल्दी बर्ड्स आए और ये अच्छे से ग्रो होने लगे और ग्राफ्टिंग का यूनियन सही हो जाए। मैं सैलोटेप अभी नहीं हटाऊंगी, ये खुद से ही हट जाएगा थोड़े दिन में और तब तक ग्राफ्टिंग भी अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें बस मैं अब एक क्लियर पॉलीथीन लगा दूंगी जो थोड़ा ब्राउन, ताकि जो लीव्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और मैं एक इसका अपडेट वीडियो तब बनाऊंगी जब रेड कलर और व्हाइट कलर के फ्लावर आपको साथ दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। हाँ, मेरा ग्राफ्टिंग का वीडियो जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग प्रोसीजर बताया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, मैं लिंक अभी दे दे रही। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग ग्राफ्टिंग कर सकें और एक ही प्लेट में मल्टीपल कलर्स ले सकें। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में।